जैसा कि दोस्तों जो भी हमारे शिफ्टेड सीएससी वीएलई हैं पंचायत भवन में, उन्हें दोस्तों डेली अटेंडेंस बनाना होगा पंचायत भवन पहुंचकर, तभी आने वाले समय में जो भी उनका पेमेंट मिलना है दोस्तों वो प्राप्त हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आगे हम कि कौन सी वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके डेली अटेंडेंस हमारे सीएससी वीएलई बना पाएंगे। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे जानेंगे कौन सी वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे हमें अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है और इसी एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों हम आगे डेली अटेंडेंस अपने पंचायत भवन में जाकर बना पाएंगे, तभी हमारी जो भी पेमेंट है दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट की ओर से वो हमें शायद प्राप्त हो पाएगा। डेली अटेंडेंस बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने मोबाइल को ओपन करना है और इसके बाद दोस्तों हमें प्ले स्टोर भी ओपन कर लेना है, मतलब गूगल प्ले स्टोर हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सर्च करेंगे 1GOB कनेक्ट झारखंड। इस एप्लीकेशन को दोस्तों हमें अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा जिसे आप हमारे मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हम इसे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे। थोड़ी देर हम वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड होके हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल ना हो जाए। 1GOB कनेक्ट झारखंड अर्ली एक्सेस, इसे आप देख रहे होंगे दोस्तों हमारे मोबाइल पर ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसे ओपन करेंगे और आगे के इंटरफेस में चलेंगे। हेलो, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है दोस्तों, अब इसे हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप देख पाएंगे। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ जरूरी परमिशन हमें देना होगा, जैसे कि दोस्तों विल यूजिंग द ऐप, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से दोस्तों लोकेशन की ऑप्शन आ गई है, फिर से हम विल यूजिंग द ऐप में क्लिक करेंगे। इसके बाद फोन कॉल को हम अलाउ कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों फोटो मीडिया में भी हमें अलाउ कर देना है। जैसे हम सारी चीज़ों को अलाउ कर देंगे परमिशन को, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारी यूजर नेम और पासवर्ड मांग रही है। यूजर नेम में तो आपको पता ही होगा कि आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी होगी और पासवर्ड भी आपको पता होगा जो आपके मोबाइल में आई होगी। तो चलिए इसे हम यहाँ पे फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इंटरनल इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पे आप ये सारी ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे प्रोफाइल का, उसके बाद अवेलेबिलिटी का, उसके बाद सर्विसेज का, फिर सर्वे का, फिर डॉक्यूमेंट का, इसी प्रकार से दोस्तों स्मार्ट टिकट का, ई लर्निंग का और सेटिंग का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें प्रोफाइल अपडेट करना था जो हमने पहले ही कर रखा है। अगर आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया तो उसे आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर से आप बैक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जहाँ से हमें अपना अटेंडेंस बनाना रहता है। इसके लिए दोस्तों आप लोकेशन भी ऑन कर लेंगे, मतलब GPS लोकेशन जो होती है उसे आप ऑन कर लेंगे। तभी दोस्तों आप अवेलेबिलिटी में जब जाएंगे तभी आप डेली का अटेंडेंस इस ऑप्शन की मदद से बना पाएंगे। अवेलेबिलिटी में अटेंडेंस बनाने से पहले करना क्या रहता है दोस्तों, सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप रजिस्टर वर्क लोकेशन देख पा रहे होंगे, आप अपने पंचायत भवन में जाके इसे सेव कर लेंगे। वहाँ की पंचायत की जो पिक होती है उसे भी आप क्लिक कर लेंगे। इसके साथ दोस्तों पंचायत सचिव का डिटेल डालने के बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सेव कर लेते हैं, इसके बाद आप यहां से बैक आ जाएंगे और अवेलेबिलिटी में जाएंगे। जैसे ही अवेलेबिलिटी में जाएंगे लोकेशन अगर आपकी ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली वहां का लोकेशन डिडक्ट कर लेगा। इसके बाद दोस्तों लोकेशन में आपको ब्लू रंग और रेड मार्कर में जो नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका नाम शो होगा। इसके बाद दोस्तों जिस भी करंट डेट में आपको अपना अटेंडेंस बनाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुरंत आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस बन जाएगी। जैसे ही अटेंडेंस बनेगी दोस्तों कुछ ग्रीन कलर का वो डेट आपको नज़र आने लगेगा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस बनाने में तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।